नमस्कार, मैं अनिल कुमार तुर्किया, वशकर यंत्रा डॉट कॉम की तरफ से। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आते हैं जिनमें कि लोग कहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। जिस भी काम में वो हाथ डालते हैं वो रुक जाता है, या फिर वो आगे नहीं बढ़ता, या फिर वो जो भी करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और उन्हें लगता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मेरे बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो उनका जो प्रभाव है वो आपके लिए ये जो है हर्डल्स क्रिएट करता है। इससे बचने का एक साधारण सा मंत्र मेरे पास है, लेकिन इसको करने की विधि थोड़ी सी मुश्किल है। आप ये जो मंत्र मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसको पीपल के पेड़ के नीचे आपको करना होगा 7 दिन तक। रोज़ दोपहर 12 बजे जाइए और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, और मुख जो है अपना उस तरफ कीजिए जहाँ से सूर्य निकलता है। वहाँ पर आप अपना आसन लगाइए और बैठकर इस मंत्र का उच्चारण कीजिए 1,08 बार हर एक दिन, चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन ये आपको करना होगा। अगर आपको अपनी जीवन में तब्दीलियाँ देखनी है तो ये करना पड़ेगा। मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। ये मंत्र जो है शनिश्चराय मतलब शनिदेव का है। वो जो देव हैं वो अपने आप में अनुभूत हैं, मतलब वो कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी लाइफ ख़राब चल रही है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि उन्हीं का प्रकोप आपके ऊपर छाया हुआ है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए छोटा सा मंत्र है, इसको 1,08 या फिर जितना ज़्यादा हो उसके इससे भी उतना जाप कीजिए इन 7 दिनों में, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, और इसके बाद जो आपकी लाइफ बनेगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू।